कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए लाइफ एक्स करियर्स को और करे अपने IMU सेट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हाय एवरीवन, तो आज हम पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है, चैप्टर सेकंड ऑफ केमिस्ट्री। देखो, एसिड्स, बेस और सॉल्ट, ये तीनों होते क्या हैं? एसिड जो होते हैं कुछ ऐसे ऐसी चीज़ है जिसका टेस्ट होता है सौर, मतलब खट्टा। और एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। ब्लू लिटमस क्या होता है, देखो ऐसे करके एक स्ट्रिप होती है, पेपर होता है, मतलब ब्लू कलर का होता है। और ये पेपर कौन सा होता है, स्पेशल टाइप ऑफ पेपर है, इसको हम बोलते हैं लिटमस पेपर। जैसे ही आप लिटमस पेपर को किसी भी एसिड के सॉल्यूशन में डिप करेंगे, मान लीजिए इस बीकर के अंदर एसिड भरा हुआ है और आपने इस लिटमस पेपर को एसिड सॉल्यूशन में डाल दिया, जैसे ही आप लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये लिटमस पेपर अपना कलर रेड में चेंज करना शुरू कर देगा। अब आप जितना डिप करते जाएंगे उतना ये ब्लू से रेड में चेंज होता जाएगा, ठीक है। एसिड हैव द प्रॉपर्टी कि ये चेंज कर देते हैं ब्लू लिटमस को रेड में। इसके ऑपोजिट बेसिस कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका टेस्ट होता है बिटर, ठीक है। और बेसिस की प्रॉपर्टी होती है कि वो रेड लिटमस पेपर को, मान लीजिए कि ये लिटमस पेपर रेड कलर का है, और आपने इस लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को डिप किया है किसी बेस के सॉल्यूशन में, बेसिस हैव द प्रॉपर्टी कि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ तक ये लिटमस पेपर डिप होगा वहाँ वहाँ तक ये ब्लू कलर शो करता चला जाएगा। जहाँ जहाँ तक इस पे एसिड आएगा वहाँ वहाँ तक रेड लिटमस विल चेंज इनटू ब्लू कलर। आप इसको याद कैसे करेंगे, आप इसको चाहें तो बाहुबली के नाम से याद कर सकते हैं। बी स्टैंड्स फॉर बेस एंड बी स्टैंड्स फॉर ब्लू, यानी कि बेस में जो लिटमस पेपर का कन्वर्जन होगा दैट विल बी इन कलर ब्लू। ब्लू कलर, ब्लू कलर ऑफ लिटमस पेपर किस में मिलेगा, बेसिस में मिलेगा। इसके ऑपोजिट एसिड में क्या मिलेगा, रेड कलर मिलेगा, ठीक है। हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं, इंडिकेटर बेसिकली क्या है, जो किसी भी चीज़ को इंडिकेट करता है, जो हमें बताता है कि ये एसिड है, ये बेस है, तो उसको हम कह रहे हैं इंडिकेटर। यहाँ जिस इंडिकेटर की बात हो रही है वो हमारे सॉल्यूशन का नेचर बता रहा है कि उसका नेचर एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। अगर ये इंडिकेटर हमें नेचर से ऑब्टेन हुआ है, नेचुरल चीज़ों से मिला है, तो हम इसे कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर। और हमारे पास स्पेसिफिकली, मतलब बहुत सारे हैं लेकिन मेनली दो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। पहला है लिटमस जो कि हमें एक पौधे से मिलता है, और दूसरा है टर्मरिक, जी हाँ, जो हमारे घर में हल्दी रखी होती है उसी की बात कह रहे हैं ये। हल्दी को यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्यों इसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि देखो अगर मान लो आपके वाइट कलर की शर्ट थी स्कूल यूनिफॉर्म की, ठीक है, आप खाना खा रहे थे तो थोड़ी सी सब्जी आपकी टी शर्ट शर्ट पे गिर गई। अब गिरेगी तो वहाँ पे एक येलो कलर का स्पॉट रह जाता है कि नहीं, रह जाता है ना। और फिर जब मम्मा बाद में उस कपड़े को वॉश करेंगी तो ये रहा कपड़ा और इस पे हो जाएगा येलो कलर का स्पॉट, ठीक है, जहाँ भी आपने खाना वो सब्जी गिरी थी वहाँ पे एक स्पॉट रह जाएगा। अब आप जैसे ही इसको सोप से वॉश करेंगे, सोप अपने आप में होती है बेसिक इन नेचर, या आप बोल सकते हैं कि सोप का नेचर होता है बेस, ठीक है, सोप बेसिकली बेस के उससे बनी होती है। तो जैसे ही आपने यहाँ पर साबुन को रब किया, सोप रब करने से क्या होगा कि ये जो येलो कलर था दैट विल चेंज इनटू रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा। और रेडिश ब्राउन में चेंज होने के बाद अब दोबारा हम इस पे पानी तो डालेंगे ताकि ये साफ हो जाए, पूरी साबुन वहाँ से हट जाए। जैसे ही आप पानी डालेंगे साबुन वहाँ से हट गई तो फिर से आपकी शर्ट पे येलो कलर दिखने लग जाएगा, ठीक है।
ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि टर्मरिक अपने आप में कैसी थी? एक इंडिकेटर थी। जैसे ही आपने ये इसलिए हुआ क्योंकि टर्मरिक अपने आप में क्या थी? एक इंडिकेटर थी। जैसे ही आपने यहाँ पे सोप रब करी तो टर्मरिक जो कि इंडिकेटर है वो बता रही है कि सोप अपने आप में एक बेस है। और कैसे बता रही है? इसका कलर चेंज करके। पहले कलर था येलो और अब कलर हो चुका है रेडिश ब्राउन। और फिर इसे अगर हम इसमें पानी डालेंगे यानी सोप यहाँ से हट जाएगी, जैसे ही सोप हटेगी तो कलर वापस से चेंज हो जाएगा येलो। ठीक है, तो इंडिकेटर्स हमारे पास दो तरीके के हैं। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, फॉर एग्जांपल लिटमस एंड टर्मरिक, और हमारे पास होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स यानी जो हमने खुद ने बना रखे हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। ठीक है, ये भी क्या करते हैं? ये भी अपनी एसिड और बेसिस में अलग अलग कलर शो करते हैं। अब हम एसिड और बेसिस को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो देखो, इंडिकेटर्स हमारे पास एक और टाइप का है जिसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि किसी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल के थ्रू या फिर एक अलग से ऑर्डर के थ्रू हमें ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो किसी एक अलग से स्मेल के थ्रू हमें ये बताएंगे कि ये वाली चीज़ एसिड थी और वो वाली चीज़ बेस थी। यानी एसिड और बेस में डिफ्रेंशिएट ये कलर से नहीं करेंगे बल्कि स्मेल से करेंगे, ऑर्डर से करेंगे। तो हम इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। लिटमस और जो पहले हमने पढ़े सिंथेटिक इंडिकेटर्स, उनमें क्या था कि वो एसिड बेस में डिफ्रेंशिएट करते थे लेकिन वो कलर के थ्रू कर रहे थे। वहाँ पे कलर चेंज हो रहा था, यहाँ पे स्मेल चेंज हो जाएगी। जैसे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के कुछ एग्जाम्पल हमारे पास हैं, फॉर एग्जाम्पल वेनिला, अनियन हमारे घर में जो होता है, क्लोव, इन सभी को यूज़ किया जा सकता है एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये एसिड में अलग तरीके का ऑर्डर देंगे और बेसिस के अंदर अलग तरीके से देंगे। अब देखो, जनरल सी रिएक्शन है कि कभी भी अगर आप एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं, कोई भी एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बना लेता है सॉल्ट, ऑल्सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये हर एसिड और हर मेटल के लिए है कि कभी भी एसिड रिएक्ट विद मेटल, इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ एक सॉल्ट बनेगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिमूव हो जाएगी। जैसे देखो NaOH plus Zn। अब नेक्स्ट में हमारे पास है कि मेटल, जिंक तो अपने आप में एक मेटल है और NaOH अपने आप में एक बेस है। तो बेसिस रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस। मेटल में भी कुछ ऐसा ही था, बेसिस में भी कुछ ऐसा ही है कि मेटल हो या बेस हो, अगर एसिड हो या बेस हो, दे रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस। मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो, जैसे लिखा हुआ है Na2CO3, तो ये है सोडियम कार्बोनेट NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, जब हो CO3 टू नेगेटिव, मतलब आगे कुछ ना कुछ अटैच होगा, तो ये फॉर्म है हमारे पास कार्बोनेट। और अगर है HCO3-, ये है हमारे पास हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो फर्स्ट देखो, सोडियम कार्बोनेट, इसको हमने रिएक्ट किया विद HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड की रिएक्शन हो रही है विद कार्बोनेट एंड विद हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कार्बोनेट के साथ में ये देंगे अपना यूजुअल सॉल्ट H2O प्लस CO2, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी एसिड के साथ रिएक्ट करके देता है सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ जैसे दिया हुआ था,
तो दोनों से हमें मिलेगा NaCl। हालांकि दोनों से अमाउंट ऑफ NaCl अलग अलग है, यहाँ देखो 2 मल्टीप्लाइड है, इधर पे कितना है 1 है, लेकिन कोई बात नहीं, मिलने वाली सब्सटेंस जो है चीज़ दोनों में सेम ही मिल रही है। अब होता क्या है कि ये जो CO2 गैस है, इसका आपको पता कैसे चलेगा कि CO2 यहाँ रिलीज हुई है नहीं हुई? हम क्या करेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइम वाटर ले लेंगे। लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही बोलते हैं लाइम वाटर। और इसमें से ये जो भी गैस यहाँ से रिलीज हो रही है उसको पास करा देंगे। ठीक है, जो भी गैस यहाँ से रिलीज हुई, ये देखो करवा रखा है, ये टेस्ट ट्यूब ले ली, ये वाली, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये वो ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी हमारा लाइम वाटर, इस पाइप के थ्रू, ये वाली, इसको हम बोलते हैं डिलीवरी ट्यूब, तो इसके थ्रू हमने डिलीवर करी CO2 गैस। और कंफर्म कैसे होगा कि CO2 गैस है? जैसे ही ये गैस इस टेस्ट ट्यूब में आएगी तो यहाँ पे वाइट कलर की, जैसे फटी हुई दही होती है या सिंपल जो कर्ड होती है, दही होती है, वैसे वैसे कुछ दिखने आपको लग जाएगा, यानी प्रेसिपिटेट यहाँ फॉर्मेशन होने लग जाएगी। और वाइट प्रेसिपिटेट जो फॉर्म होते हैं वो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, CaCO3 के। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट के यहाँ पे प्रेसिपिटेट बने, इससे हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ पे CO2 गैस रिलीज हुई थी इस रिएक्शन में। ओके, आपको लगेगा हमें ये रिएक्शन का कैसे पता? तो ये वाली जो रिएक्शन है, ये तो हमने यहाँ कराई थी ना, इस टेस्ट ट्यूब में, पहले यहाँ रिएक्शन कराई, यहाँ पे कनेक्टेड है ये वाली टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब के थ्रू, सॉरी, ये डिलीवरी ट्यूब के थ्रू यहाँ से CO2 पास हुई और वो गई किस में? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर के अंदर। नेक्स्ट देखो, मतलब नेक्स्ट मतलब इसी के अंदर ही है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट आपको मिला है, पहले अगर आप इसमें वाटर और CO2, फिर से मतलब आप CO2 पास करवा देंगे, अब कैल्शियम कार्बोनेट में से अगर आप CO2 पास करवाएंगे तो वहाँ बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का तो आपको PPT मिला था, प्रेसिपिटेट, वो दही की तरह इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि उसमें मिक्स नहीं हो रहा था, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अपने आप में पानी के अंदर सॉल्युबल होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की हमारे पास बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल, ये सभी कैल्शियम कार्बोनेट की ही अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो ये हमने कुछ रिएक्शन देखी कि कैल्शियम, या मेटल की बात करें, मेटल चाहे कार्बोनेट की फॉर्म में हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में हो, दोनों ही एसिड के साथ रिएक्ट करने पे सॉल्ट, CO2 और वाटर को रिलीज करते हैं। अब कहता है कि एसिड और बेस इन्हीं को आपस में मिला दें तो ये दोनों आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे? तो एसिड्स रिएक्ट विद बेस अगेन टू फॉर्म सॉल्ट एंड रिमूवल ऑफ वाटर। यहाँ CO2 रिलीज नहीं हो रही, इतना डिफरेंस है। जब हमारे पास कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट था, वहाँ एडिशनल CO2 भी रिलीज हो रही थी, सिंपल इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो वहाँ CO2 रिलीज नहीं होगी, बाकी बनेगा वही कि बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। मेटल ऑक्साइड विद एसिड्स, मेटल ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ये भी सॉल्ट प्लस वाटर ही बनाते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर मेटल की ऑक्साइड है, दैट विल बी बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटल की जो ऑक्साइड होती है, दैट विल बी एसिडिक इन नेचर। देखो जैसे इधर पे था, ये तो हमारी हो गई मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड्स, इट फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, रिएक्शन आप ऐसे लिख सकते हैं। अब आता है नॉन मेटल की ऑक्साइड बेस के साथ कैसे रिएक्ट करती है। तो नॉन मेटल की जो ऑक्साइड होती हैं वो ये भी सेम मैनर में ही रिएक्ट करती हैं जैसे आपके एसिड्स कर रहे थे। एसिड मेटल ऑक्साइड विद एसिड, इट फॉर्म्स सॉल्ट प्लस वाटर। सिमिलरली नॉन मेटल की अगर ऑक्साइड है, इट ऑल्सो रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। डिफरेंस सिर्फ इनके नेचर का है कि मेटल की ऑक्साइड जो है, दीज आर
बेसिक ऑक्साइड, इनका नेचर बेसिक होता है, और नॉन मेटल की जो ऑक्साइड होती हैं दे आर एसिडिक इन नेचर. नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. अब ये जो भी चीज़ों को हम एसिड बोलते हैं कि ये भी एसिड है, फलाना भी एसिड है, ढुमकाना भी एसिड है, इन सभी एसिड में क्या कोई चीज़ कॉमन होती है कि सारे ही एसिड में ये बात कॉमन है? कुछ चीज़ें हैं जो कि कॉमन होती हैं, जैसे कि सभी एसिड्स के अंदर H पॉजिटिव आयंस होता है, या हम कहें कि सभी एसिड्स में H पॉजिटिव आयन देने की कैपेबिलिटी होती है. जैसे आप बात करें HCl तो ये भी देगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. आप बात करें HNO3 तो ये देगा H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव. देखो ऐसे HCl ये देता है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, HNO3 ये देगा H पॉजिटिव प्लस NO3 माइनस. आप बात करें H2SO4 ये देगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, या इसी को आप लिख सकते हैं H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव. और देखो CH3COOH एसिटिक एसिड ये देगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. तो इन सभी में देखो एक चीज़ कॉमन है तो सही कि ये भी H पॉजिटिव दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, और ये वाला भी दे रहा है. सभी H पॉजिटिव रिलीज करने के लिए कैपेबल हैं. तो वो सब्सटेंसेस जो कि H पॉजिटिव देने के लिए कैपेबल होते हैं हम उनको बोलते हैं एसिड्स. सेम गोज फॉर बेसिस, कि बेसिस जो होते हैं उन सभी बेसिस के पास OH नेगेटिव आयन होता है. जैसे देखो हम यही लिख सकते हैं इसको, एक सेकेंड. बेसिस का अभी हम नेक्स्ट वाले पेज पे पढ़ेंगे, ठीक है, दो सेकेंड रुक जाओ. अभी एसिड्स की रिएक्शन एक बार देख लेते हैं. एसिड रिएक्ट विद वाटर, हाँ जी करता है, एसिड पानी के साथ बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है और ये बना लेता है H3O पॉजिटिव विद द रिमूवल ऑफ Cl नेगेटिव. ठीक है, ये कैसे हुआ? क्योंकि HCl जो था, HCl ये अपने आप में टूट करके H पॉजिटिव देता है प्लस में Cl नेगेटिव तोड़ेगा. अब HCl में से ये जो H पॉजिटिव टूटा था, दिस H पॉजिटिव रिएक्ट विद वाटर एंड इट फॉर्म्स H3O पॉजिटिव. ठीक है, बचा ये जो Cl नेगेटिव है, ये बचा पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं. ओके, अब हम बात करते हैं बेसिस के बारे में. तो देखो जिस तरीके से सभी एसिड्स H पॉजिटिव देते हैं, हम कहते हैं कि सभी एसिड्स H पॉजिटिव देते हैं, वैसे ही बेटा सभी बेसिस OH माइनस देने के लिए कैपेबल होते हैं. फॉर एग्जांपल NaOH ये टूटेगा तो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव रिलीज हुआ यहाँ पे. KOH K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. MgOH होल ट्वाइस चेंजेस टू Mg2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव. कोई 1OH नेगेटिव दे रहा है, कोई 2OH नेगेटिव दे रहा है, लेकिन कॉमन बात यह है कि जितने भी बेसिस होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं. किस में? पानी में. ठीक है, अब ऐसे बेसिस जो कि पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं, पानी के अंदर मिक्स होने की टेंडेंसी रखते हैं, उनको हम कहते हैं अल्कलाइज. क्या बोलते हैं उनको? उन्हें हम कहते हैं अल्कलाइज. अल्कलीज क्या होती हैं? वो बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर. ठीक है, तो हमें यहां से एक चीज देखने को मिल गई कि सारे एसिड जो होते हैं वो H पॉजिटिव जनरेट करते हैं और सारे बेसिस जो होते हैं वो OH नेगेटिव जनरेट करते हैं. कब? पानी के साथ रिएक्शन होने पे. ओके, इन जनरल एक रिएक्शन दी हुई है कि एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा, पढ़ तो हम पहले भी चुके हैं कि वो सॉल्ट प्लस वाटर बना लेता है. एसिड है तो हमने उसको HX से लिख दिया कि एसिड है HX प्लस में बेस है तो हम उसको MOH से लिख देते हैं. ये जब रिएक्शन होगी तो इसके अंदर M और X ये M और ये वाला X ये दोनों मिल करके ये क्या बन गया? सॉल्ट.
और जो बचा कुचा है ये वाला OH और ये हाइड्रोजन, इनने मिल करके बना लिया H2O, वाटर। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन आपके पास आता है कि आपके पास दो बीकर्स हैं, इसमें आपके पास एसिड है और इसमें आपके पास वाटर, तो आप एसिड के अंदर वाटर डालेंगे या फिर आप वाटर के अंदर एसिड डालेंगे? क्या इन दोनों केसेस में कोई डिफरेंस है या ये दोनों सेम है? क्या फर्स्ट केस और सेकंड केस में कोई डिफरेंस है कि हमने एसिड के अंदर वाटर डाला या फिर वाटर के अंदर एसिड डाला? क्या कुछ डिफरेंस इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा? हमेशा आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप वाटर के अंदर एसिड डालें, कभी भी एसिड के अंदर वाटर ना डालें। एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टिरिंग। वाटर को, एसिड को पानी के अंदर नहीं डालना है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जैसे ही एसिड और पानी रिएक्ट करते हैं, जो रिएक्शन होती है एसिड और वाटर की, यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है और वो इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आपने एसिड के अंदर पानी डाला है तो वो हीट इवॉल्व इतनी ज़्यादा होगी कि उसकी वजह से एसिड छलक के बाहर आ जाएगा, स्प्लैश आउट हो जाएगा। अब एसिड अगर बाहर आ रहा है तो एसिड आपकी स्किन पे गिर गया, आपके कपड़ों पे गिर गया तो जलेगा ना, वहाँ से उसकी वजह से बर्न हो सकता है। जबकि अगर हम पानी के अंदर एसिड डाल रहे हैं, वो भी कॉन्स्टेंटली स्टिरिंग से, स्टिरिंग मतलब ऐसे घुमाते घुमाते, बार बार गोल गोल घुमाते हुए उसके अंदर डाल रहे हैं, तो होगा क्या कि पहली बात तो जितनी हीट एनर्जी यहाँ पे इवॉल्व होगी वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। दूसरी चीज़ कि अगर पानी थोड़ा बहुत बाहर आ भी गया तो पानी के बाहर आने से तो कोई इशू नहीं होगा ना हमें, ओके? इसी वजह से एसिड मस्ट बी एडेड इन वाटर बट वाटर शुड नॉट बी एडेड इन एसिड। पानी को एसिड के अंदर ऐड नहीं करते। अब देखो नेक्स्ट क्या है कि एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या है कि जैसे जैसे आपने एसिड और एसिड में या बेस में पानी को मिक्स किया, मतलब एसिड में पानी मिक्स करो या बेस में पानी मिक्स करो, जब भी आप ऐसे करेंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम, ये बीकर है हमारा, इसमें हमने यहाँ पे लेट से मान रखा था एसिड और इसमें हमने थोड़ा सा यहाँ से वाटर ऐड करा है। अब होगा क्या कि इस एसिड है तो बहुत सारे एच पॉजिटिव आयन यहाँ पे घूम रहे होंगे, भर भर के होंगे एच पॉजिटिव आयन, राइट? जैसे ही आप वाटर ऐड कर रहे हैं बाहर से तो यूनिट वॉल्यूम में, यानी वन यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयन्स थे वो डिक्रीज हो गए, वो कम हो जाएंगे। और अगर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयन डिक्रीज हो गए हैं तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूशन। ठीक है, और ऐसे एसिड्स जिसके अंदर पानी मिला हुआ है या ऐसे बेस जिसमें पानी मिला हुआ है उनको हम बोलते हैं डाइल्यूटेड एसिड या डाइल्यूटेड बेस। देन अभी हमने बहुत एसिड बेस की बात कर ली। क्या एसिड और बेस की कोई स्ट्रेंथ भी होती है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल होता है। इसको हम कहाँ से पता कर सकते हैं? इसे हम पता करते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ स्केल से, विच इज़ पीएच स्केल। पीएच स्केल में क्या है, पीएच, ये पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल हमें बताता है कि हमारा एसिड है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। ऐसे ही हमारा बेस अगर है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। ये जो पीएच स्केल होता है इसकी वैल्यू 0 से लेकर के 14 तक होती है, जैसे आपको आपके सामने दिख ही रहा है, ये 0 से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक जा रहा है, 14 तक। इसमें जो बिल्कुल बीच की वैल्यू आती है 7, यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा होता है, न्यूट्रल। यानी अगर आपका किसी भी सॉल्यूशन का पीएच 7 आ रहा है तो वो आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन है। 7 से जितनी कम वैल्यू आएगी, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7 से कम अगर पीएच है तो उसका मतलब कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर आपके सॉल्यूशन का पीएच 7 से ज़्यादा है तो इसका मतलब वो एक बेसिक सॉल्यूशन है। अब 7 से जितनी कम होगी उतना ज़्यादा एसिडिक होगा,
और 7 से जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी पीएच की, उतना ही ज़्यादा बेसिक सॉल्यूशन होगा। जैसे अगर हम कंपेयर कर लें कि आपको दे दिए कुछ सॉल्यूशंस, जैसे एक पीएच गिवन है, ए का पीएच है 4, बी का पीएच है 2, सी का पीएच है 8 और डी का है 10। तो पहली बात, 2 और 4 इनकी वैल्यू 7 से कम है, यानी ये दोनों ही क्या हैं, एसिड्स हैं। और ये सी और डी, इन दोनों की वैल्यू 7 से ज़्यादा है, ये दोनों ही बेसिस हैं। अब 4 और 2 में कंसीडर करें तो 2 से बड़ा है 4, यानी कि 7 से जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना स्ट्रॉन्गर पीएच है। तो हम कहेंगे कि ये जो बी वाला है एसिड, बी जो है ये स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कम्पेयर टू ए के। क्यों? क्योंकि इसके पीएच की वैल्यू छोटी है, जिसके पीएच की वैल्यू जितनी छोटी वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक। अब बात करते हैं सी और डी की। तो सी और डी में देखो, पीएच की वैल्यू 8 से ज़्यादा है 10, तो हम कहेंगे 8 से ज़्यादा 10, जिसके पीएच की वैल्यू जितनी ज़्यादा वो उतना अच्छा बेस। तो इसका मतलब सी से अच्छा बेस है डी, स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा है, डी। बेस के केस में वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए पीएच की, एसिड के लिए पीएच की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। जितना पीएच की वैल्यू छोटी उतना अच्छा एसिड, जितना पीएच की वैल्यू बड़ी उतना अच्छा बेस, ठीक है। अब आप कंफ्यूज मत होना, ये एच पॉजिटिव और ये ओएच नेगेटिव इसलिए लिखा है क्योंकि एसिड तो एच पॉजिटिव रिलीज करते हैं, तो यहाँ एसिड के लिए हम पढ़ेंगे तो एच पॉजिटिव पढ़ेंगे, कितना एच पॉजिटिव है। और बेस के लिए आप पढ़ना चाहें तो फिर ओएच नेगेटिव में इसको डील किया जाता है ना, कि कितने ओएच नेगेटिव आयन दे रहे हैं उतना ज़्यादा अच्छा वो बेस होगा। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे हम एच पॉजिटिव आयन की बात करें, जितना अच्छा एसिड होगा उतने ज़्यादा एच पॉजिटिव देगा, जितना अच्छा एसिड उतने ज़्यादा नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयन और उतना ही कम पीएच, ठीक है। जितना अच्छा बेस उतने ही कम एच पॉजिटिव और उतना ही ज़्यादा पीएच, ओके। अब देखो, हमें एक पीएच पेपर गिवन है, ठीक है। इस पीएच पेपर पे क्या है कि अलग अलग कलर रेंज की हेल्प से एक रफ आइडिया आपको दिया गया है कि हाँ यहाँ यहाँ पे ऐसे ऐसे होगा। एसिड्स के लिए बात करें तो ये कुछ कलर्स हमें देखने को मिलते हैं ऐसे वाले, ठीक है, रेड येलो ऑरेंज वाला टाइप्स, हल्का हल्का ग्रीन। और बेसिस की बात करें तो ऐसे कलर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये पीएच पेपर के कलर हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है हमारा प्योर वाटर या हमारा खून ब्लड, तो इनका पीएच मिलता है 7.4। 7.4 यहाँ कुछ लाई करेगा, कलर आपको एक हल्का सा ग्रीनिश ऑलिव ग्रीन कलर मिलेगा, ठीक है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या मिलता है, पीएच मिलता है 10 के लिए यहाँ आएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा NaOH सॉल्यूशन, ये हमारा पीएच होता है 14 के अराउंड, तो ये इधर है, ब्लू का बिल्कुल डार्क हो रखा है। लेमन जूस की बात करें तो इसका मिलता है 2.2, ये वही लेमन जूस है जो आपके घर में नींबू होता है फ्रिज में, उसी के जूस की बात की जा रही है कि उसका पीएच मिलता है 2.2। गैस्ट्रिक जूस ये हमारे पेट में होते हैं, इसका पीएच है 1.2। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन कर लेते हैं कि वो एसिड जो कि ज़्यादा नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयन देंगे वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, और ऐसे बेस जो कि ज़्यादा नंबर ऑफ एच ओएच नेगेटिव आयन देंगे, जितने ज़्यादा ओएच नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे वो उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, ठीक है। अब पीएच हमारी रियल लाइफ में कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ होता है, तो देखो, अब देखो कि पीएच का हमारी एवरीडे लाइफ में क्या इम्पॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है। सबसे पहले हमारी बॉडी जो है उसका पीएच होता है 7 to 7.8, ठीक है। जो एसिड बारिश जो होती है, तो बारिश का जो पीएच होता है रेन वाटर का, दैट इज़ 5.6 से ऊपर ऊपर। अगर 5.6 से नीचे गया
बारिश के पानी का पीएच अगर 5.6 से नीचे गया तो आप उसको बोलेंगे एसिड रेन। आप लोगों ने न्यूज़ में काफ़ी बार सुना होगा एसिड रेन। तो वो क्या है कि अगर बारिश के पानी का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो ऐसी बारिश को हम कहते हैं एसिड रेन। इसकी वजह से अलग अलग स्किन प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि बारिश के पानी से स्किन प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, क्योंकि वो बारिश वही नॉर्मल वाली बारिश नहीं है, वो उसका पीएच बहुत ही कम हो चुका है। एसिड आपकी बॉडी पे गिरेगा तो कुछ ना कुछ इरिटेशन इन्फेक्शन तो क्रिएट करेगा ही, ठीक है, इस वजह से। और यही बारिश का पानी अगर रिवर्स में पहुंच जाता है, जो कि जाएगा तो है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जितनी भी एक्वाटिक लाइफ हैं बेचारी नदियों में, तो उनका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब देखो, हमारी बॉडी के अंदर, हमारी स्टमक के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ एसिड होता है विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। ये HCl हमारे खाने को पचाने में बहुत हेल्प करता है, लेकिन कभी कभार क्या है कि आपको छोले पूरी मिल गए, आप खाए जा रहे हैं रुके नहीं, तो उस टाइम पे क्या है कि इनडाइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्टमक के अंदर एक्सेस ऑफ HCl या एसिड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। और अगर हमें हमारी बॉडी में हमारे स्टमक में ज़्यादा एसिड बन गया तो उसकी वजह से आपको या तो पेट दर्द होना शुरू हो जाएगा या इरिटेशन होनी शुरू हो जाएगी। फिर हम क्या करते हैं कि स्वाद में खूब खाया, सतमोला ने खूब पचाया, ऐसे कुछ सुना है, या फिर इनो पुदीन हरा, ये सभी क्या है, ये सभी एंटा एसिड्स हैं। इन सभी में क्या होता है, बेस होता है। कौन सा बेस होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम बोल रहे थे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो देखो आपने किया क्या, पहले आपने खूब खाया, खूब खाने से क्या हुआ कि एक्सेस एसिड बन गया, ऊपर से आपने कंज्यूम किया बेस, यानी आपकी बॉडी के अंदर कौन सी रिएक्शन हो रही है, एसिड इज रिएक्टिंग विद बेस। जैसे ही एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ बनाएगा सॉल्ट विद वाटर। इस पूरी रिएक्शन को हम क्या बोलते थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हमारी बॉडी में ये कौन सी रिएक्शन हुई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई, क्योंकि हमारे एसिड हमारी बॉडी में था पहले से, बेस हमने बाहर से डाला तो फिर सॉल्ट बन गया पेट के अंदर और साथ में पानी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, दांत टूट जाते हैं बच्चों के, क्यों? देखो सीधी सी बात है, हमारे दांत में दर्द टूट डिके तब शुरू होता है जब हमारे मुंह का, हमारे माउथ का पीएच जो है वो 5.5 से भी कम जाना शुरू कर देता है, ठीक है। उस टाइम आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप ब्रश कर लीजिए प्रॉपरली। ब्रश से क्या है कि जब आप ब्रश करते हैं तो ब्रश के अंदर क्या है, सर्टेन बेस प्रेजेंट है। तो अगेन भाई कि माउथ का जो पीएच था वो 5.5 से भी कम हो रहा था, एसिड की रेंज में जा रहा था, आपने ब्रश करा, ब्रश करने से बेस दिया, एसिड प्लस बेस, हुआ क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई वहां पर भी, ठीक है। जो आपका दांत होता है तो हमारा दांत ऐसे ही कोई बहुत मतलब हल्का फुल्का तो नहीं होता, अच्छे खासी मजबूत लेयर से बना होता है। वो जो मजबूत लेयर है उसको हम बोलते हैं इनेमल। और ये जो टूथ इनेमल होती है, जो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जो भी मतलब हमारी बॉडी के बॉडी पार्ट्स हैं अलग अलग, उनमें सबसे मजबूत कौन है, इनेमल। ये इनेमल बनी किसकी होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट की, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट का ही एक फॉर्म है वो, ठीक है, उसी का क्रिस्टल है, तो उसकी बनी होती है टूथ इनेमल। अगर ये इतनी ज़्यादा मजबूत है तो फिर ये ऐसे टूट कैसे जाती है, क्योंकि जब ये टूटती है तभी तो हमारे दांत में दर्द शुरू होता है। अगर ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है पूरी बॉडी का तो फिर ये टूट क्यों रही है, क्योंकि देखो होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर हमारे माउथ में सर्टेन बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो तब एक्ट करते हैं जब आपकी बॉडी आपके मुंह में कुछ फूड पार्टिकल्स बचे हुए रह जाते हैं। तो ये बैक्टीरियाज क्या करेंगे कि उन फूड पार्टिकल्स का या उन शुगर पार्टिकल्स का डिग्रेडेशन शुरू कर देंगे, और डिग्रेडेशन जब होगा इन शुगर पार्टिकल या फूड पार्टिकल का, तब हमारी मुंह का जो पीएच है दैट विल डिक्रीज या फिर 5.5 से भी कम जाना शुरू कर देता है। और जैसे ही आपके माउथ का पीएच 5.5 से कम जाएगा उस टाइम पे इनेमल ब्रेक करना शुरू कर जाएगा, क्यों, क्योंकि माउथ का पीएच जो है अब वो एसिड रेंज में जा रहा है, एसिडिक हो रहा है,
ठीक है। अब उस पर जिस बच्चे ने टूथपेस्ट किया तो टूथपेस्ट में ऑलरेडी बेसिक नेचर था, वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई, एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर लिया गया और टूथ डिके बच गया, मतलब दांत में दर्द होने से रह गया। ओके, अब देखो कभी कभार क्या होता है कि कोई मधुमक्खी आपको काट गई तो उसके काटने से क्या होगा कि पूरी स्वेलिंग वगैरह आनी शुरू हो जाएगी, इरिटेशन होना शुरू हो जाएगा, दर्द होना वहाँ पे शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ये मधुमक्खी ने ऐसा क्या किया? ये जो मधुमक्खी थी इसने काटा क्या बेसिकली कि इसका जो स्टिंग होता है, जो इसका डंक होता है, ये डंक एकदम से ऐसे मारेगी, ये मान लो बच्चे के हाथ था और ये मधुमक्खी का डंक था, तो जैसे ही मधुमक्खी ने ये डंक ऐसे मारा, स्टिंग जो है वो इधर पे ऐसे हिट किया, हिट करने से क्या होगा कि स्टिंग के अंदर प्रेजेंट था एसिड। अब वो एसिड आपकी बॉडी में, आपकी स्किन में इंजेक्ट हो चुका है, आप नहीं जाते थे लेकिन फिर भी वो एसिड जो है आपकी स्किन के अंदर जा चुका है। जैसे ही आपके स्किन के अंदर एसिड जाएगा तो उस एसिड की वजह से आपको पेन और इरिटेशन होना शुरू हो जाएगा। अब बेहतर क्या है कि या तो आप उस पर बेकिंग सोडा, हल्का फुल्का बेस जैसे कि बेकिंग सोडा, उसको लो और उसको रब कर लो, क्योंकि आपकी बॉडी में इंजेक्ट हुआ था यहाँ पे स्किन में एसिड, हमने उस पर रब किया बेस, तो एसिड रिएक्ट विद बेस और उसकी वजह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई और आपको आराम मिल जाएगा। सेम फिनोमिना हमें देखने को मिलता है नेटल लीव्स में। नेटल लीव्स के ऊपर क्या है कि कुछ स्टिंगिंग हेयर होते हैं, ऐसे हेयर होते हैं जिसके अंदर वो डंक वाली चीज़ होती है, उसके अंदर एसिड होता है, तो जैसे ही वो आपकी बॉडी या स्किन के कांटेक्ट में आए तो मीथेनोइक एसिड स्किन के अंदर इंजेक्ट हो जाता है और मीथेनोइक एसिड की वजह से वो जलन और पेन होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी टेबल गिवन है जिसमें हमें बता रखा है कि देखो विनेगर जो है उसमें होता है एसिटिक एसिड, ऑरेंजेस में होता है सिट्रिक एसिड, टर्मरिंड इमली में होता है टार्टारिक एसिड, टमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड, सॉर मिल्क या फिर कर्ड दही में होता है लैक्टिक एसिड, लेमन हमारे नींबू में सिट्रिक एसिड, आंट स्टिंग वो जो ब्राउन वाली चींटी जब काट जाती है तो उसके काटने से जो इरिटेशन है दैट इज बिकॉज ऑफ मीथेनोइक एसिड, और नेटल स्टिंग के अंदर भी क्या है मीथेनोइक एसिड। अब हम बात करते हैं सॉल्ट की। सॉल्ट की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऐसा सॉल्ट जो हमारी फैमिली में बहुत यूज होता है, फैमिली ऑफ, तो फिलहाल हम बात करेंगे फैमिली ऑफ सॉल्ट्स की, अलग अलग सॉल्ट्स कौन से हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। तो देखो सीधी सी बात यह है कि सॉल्ट जो है उसका पीएच कितना होता है, 7 होती है, 7 से कम होगा तो हम उसको एसिड कंसीडर कर देते हैं, अगर लेस देन 7 है तो एसिड और मोर देन 7 है तो हम उसको बेस कंसीडर कर लेते हैं। ओके, अब 7 से जितना ज़्यादा जाएगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, 7 से जितना 7 के जितना पास होगा तो उतना ही वो वीक बेस होगा, और अगर 7 के क्लोज है लेकिन एसिड है जैसे 6-5 की रेंज में है तो हम उसको बोलेंगे वीक एसिड, 8-9 की रेंज में होगा तो हम उसको बोलेंगे वीक बेस। ओके, यही सॉल्ट वाली चीज़ कहाँ हुई थी, ये जो महात्मा गांधी जी ने किया था डांडी मार्च सॉल्ट सत्याग्रह, तो वहाँ पे भी क्या किया था कि सॉल्ट को निकाला गया था, राइट, कहाँ से निकाला था, समुद्र के नीचे जो मिट्टी होती है वहाँ से, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट बनता कैसे है, आप क्या करेंगे, ये बहुत अच्छा सा डायग्राम जो है तो देखो सबसे पहले ये जो पूरा चैम्बर है कंटेनर है इसके अंदर आप लेंगे ब्राइन। ब्राइन क्या होती है, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, NaCl को बोलते हैं ब्राइन। इसके अंदर हमने भर भर के ब्राइन ले लिया, इस पूरे को कनेक्ट कर दिया एक सेल से, बैटरी से, और देन हमने क्या किया कि स्विच ऑन कर दिया, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हमने पास करानी शुरू कर दी। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो होगा ये कि क्लोरीन गैस एनोड पे आना शुरू कर देगी, ये रहा एनोड, यहाँ पे क्लोरीन गैस का रिमूवल शुरू हो चुका है, ठीक है, यहाँ से ये रिलीज शुरू हो गया, और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस का रिमूवल शुरू हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होनी शुरू हो जाएगी, और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो सॉल्ट हमें बनाना था ये आपका कैथोड के आसपास डिपॉजिट होना शुरू कर देगा। कैथोड इधर पे देखो, ये रहा,
तो ये कैथोड के आसपास कौन डेपोजिट होगा? NaOH. इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लोर अल्कलाई प्रोसेस भी बोल सकते हैं. क्लोर अल्कलाई क्यों? इसलिए क्योंकि देखो क्लोरीन, वहाँ से हमने लिया क्लोर और NaOH जो बन रहा है वो अपने आप में एक बेस है. बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर, उसको हम बोलते हैं अल्कलाई. तो वहाँ से आ गया अल्कलाई. तो दो नाम को जोड़ करके बना क्लोर अल्कलाई, क्लोरीन और NaOH की वजह से क्लोर अल्कलाई प्रोसेस. पूरी रिएक्शन अगर हम देखें तो होता क्या है, NaCl पहले है, वाटर से ट्रीट कराएंगे. जैसे ही पानी से ट्रीट कराया तो फिर यहाँ पे NaOH बनना शुरू हो जाएगा और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, तो आपसे पूछे कि कॉमन सॉल्ट कौन सा होता है? कॉमन सॉल्ट इज NaOH. नेक्स्ट है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर. पिछले प्रोसेस में हमने देखा कि वहाँ पे क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रही थी. आप क्या करेंगे, उसी क्लोरीन गैस को लेंगे और ट्रीट करा देंगे ड्राई स्लेक्ड लाइम से. ड्राई स्लेक्ड लाइम और कुछ नहीं है, CaOH होल्ट्राइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही बोल रहे हैं. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या हम बोले ड्राई स्लेक्ड लाइम व्हेन ट्रीटेड विद क्लोरीन गैस, उससे बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर कुछ नहीं, यही आपका CaOCl2, यानी ये जो बना है CaOCl2, यही है आपका ब्लीचिंग पाउडर. ठीक है, कॉम्पोजिशन इसकी आसान सी है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लो, क्लोरीन के साथ ट्रीट कराओ, उससे बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर. फॉर्मूला है CaOCl2. अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसके बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि कॉटन और लिनन की ब्लीचिंग के लिए, वहाँ पे उसको कलर देने के लिए, वुड पल्प को कलर देने के लिए, जो कलर्ड पेपर्स हमारे पास बनते हैं ना अलग अलग, तो पेपर फैक्ट्रीज में इसको यूज़ किया जाता है. वॉश्ड क्लोथ्स को ब्लीच करने में इसको यूज़ किया जाता है. देन केमिकल इंडस्ट्रीज में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको बहुत यूज़ किया जाता है. ऑल्सो क्लोर ये जो है इसको ड्रिंकिंग वाटर को जर्म्स फ्री करने के लिए, यानी कि उसमें से जितने जर्म्स हैं वो मर मुरा जाए, तो हमें साफ पानी अगर चाहिए, पीने का पानी, उसकी सप्लाई में भी, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में भी ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है. ठीक है, दो तीन यूज़ हैं, ये हम याद कर लेंगे. देन आता है बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा को हिंदी में कुछ घरों में मीठा सोडा भी बोलते हैं. ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है आपके टेस्टी टेस्टी पकौड़ाज को क्रिस्पी करने में. ठीक है, जितनी क्रिस्पी चीज़ें आप खाते हैं उनके अंदर. अगर हम केमिकल फॉर्मूला देखें तो बेकिंग सोडा इज़ NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ओके, और ये बनता कैसे है? तो देखो ये बनता कैसे है, NaCl सोडियम क्लोराइड, इसको ट्रीट कराते हैं विद वाटर, CO2 एंड अमोनिया NH3. ठीक है, इससे क्या बनेगा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड विद NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ओके, अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर आपने हीट कर दिया तो इससे बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट. ओके, तो बेकिंग सोडा अगर हमें बनाना था, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. इसको बनाने के लिए सिंपल सी रिएक्शन है कि आप NaCl लेंगे, सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड को, वो जो ब्राइम हम बोल रहे थे पीछे, वो इसी को बोल रहे थे, सोडियम क्लोराइड. देखो यहाँ था ना ब्राइम, ये ब्राइम क्या था, NaCl ही तो था. तो आप NaCl से याद कर सकते हो, आप चाहो तो ब्राइम से भी याद कर सकते हो कि NaCl या फिर ब्राइम रिएक्ट्स विद वाटर, CO2 एंड अमोनिया NH3. इट फॉर्म्स NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा. ओके, बेकिंग सोडा का यूज़ कहाँ कहाँ है? बहुत सारे यूज़ हैं बेकिंग सोडा के, जैसे कि बेकिंग पाउडर बनाने में इसको यूज़ किया जाता है. बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर एक मिक्सचर है बेकिंग सोडा का और
एक छोटे बहुत ही हल्के फुलके एसिड का, जैसे कि टार्टारिक एसिड, तो बेकिंग सोडा प्लस एक माइल्ड एसिड, माइल्ड मतलब जो हल्का फुल्का है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, नॉर्मल सा है, तो बेकिंग सोडा प्लस में माइल्ड एसिड कंबाइन करके बना लेते हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने में हम यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा को, ठीक है। रिएक्शन कैसे है, कुछ ऐसे है कि आपने ले लिया बेकिंग सोडा NaHCO3, माइल्ड एसिड से कराया, एसिड से आपको क्या मिलेगा, H पॉजिटिव आयन, ये इससे रिएक्ट कर जाएगा, इससे रिएक्ट करके ये CO2 रिलीज करेगा प्लस वाटर रिलीज करेगा और आपको मिलेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, यानी कि बेकिंग पाउडर Na2CO3। नेक्स्ट देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। कहता है कि ये जो पूरी रिएक्शन हुई, इस रिएक्शन में आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ CO2 रिलीज हुई, राइट? ये जो CO2 यहाँ पे रिलीज हुई है, इस CO2 की ही वजह से आपके जो ब्रेड होते हैं वो अच्छे खासे स्पॉन्जी और फ्लफी बन पाते हैं। तो इसीलिए सिर्फ बेकिंग सोडा से हम स्पॉन्जी ब्रेड नहीं बना पाते, हमें बेकिंग पाउडर भी वहाँ पर चाहिए। वो बेकिंग पाउडर क्यों चाहिए, इस रीजन से, क्योंकि हमें जो केक चाहिए उसकी ब्रेड बहुत स्पॉन्जी और फ्लफी सी होनी चाहिए। जितनी ज्यादा CO2 रिलीज होगी उतना ही ब्रेड सॉफ्ट बनेगा। देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी यही हमारा बेकिंग सोडा, ये एंटा एसिड भी है। एंटा एसिड मतलब कि जो एसिड के इफेक्ट को कम करता है, जैसे कि हमारे पेट में जो वो एक्सेस एसिड बन रहा था जब हमने ज़्यादा खाना खा लिया था, तो हमने वहाँ पे न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको कुछ ना कुछ अल्कलाई ली थी ना ऊपर से, इनो, पुदीन हरा, फलाना ढिमकाना, तो उन एंटा एसिड्स के अंदर एक कॉम्पोनेंट है क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मीठा सोडा। ऑल्सो जो रेड कलर के हमारे स्कूल्स में, हॉस्पिटल में इस तरीके से सिलेंडर लगे होते हैं, अगर आपने देखे हों, जिनको हम कहते हैं फायर एस्टिंग्विशर्स, तो ये फायर एस्टिंग्विशर्स के अंदर भी कौन प्रेजेंट होता है, बेकिंग सोडा, ठीक है। नेक्स्ट कम्स वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O, ये वाला, Na2CO3.10H2O, ये क्या है हमारा वॉशिंग सोडा। 10H2O का मतलब ये नहीं है कि ये गीला मिलेगा, सूखा ही होता है, लेकिन 10H2O क्यों है, क्योंकि ये जो है ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को बनाने में 10 वाटर मॉलिक्यूल यूज किए जा रहे हैं। तो ये किस में काम आते हैं, ये आते हैं पूरी की पूरी क्रिस्टलाइजेशन में, पूरे क्रिस्टल के बनने में, ठीक है। बनता कैसे है कि सोडियम कार्बोनेट लो, पानी के साथ उसको ट्रीट करा दो, वहां से बन जाएगा Na2CO3.10H2O। वॉशिंग सोडा जो है, अब इसके यूजेस क्या क्या हैं, वॉशिंग सोडा को ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, इसको बोरेक्स बनाने में यूज़ किया जाता है, इसको क्लीनिंग एजेंट के तौर पे घरों में यूज़ किया जाता है, ऑल्सो जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर होती है उसको रिमूव करने में भी इसका रोल है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर का मतलब कि कभी कभार जो हम कहते हैं कि घर में पानी खराब आ रहा है, और ख़राब पानी के आने से, जैसे आपने क्या किया कि हाथ पे सोप यूज़ करी, तो फिर पानी की वजह से वो सोप फट गई, उसने अच्छी खासी झाग या फॉर्म ना बना करके एक फटी हुई दही जैसा लेदर टाइप में कुछ सब चीज़ बना ली, और हाथ पे बहुत स्टिकी फील हो रहा है, बिल्कुल भी क्लीन हुए नहीं है, तो हम कहते हैं कि पानी बहुत हार्ड है। वो हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए आप वॉशिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन कहता है कि जो क्रिस्टल सॉल्ट्स होते हैं, क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट, क्या ये एक्चुअल में ड्राई होते हैं, सूखे होते हैं, आओ देखते हैं। तो देखो, जैसे हमारे पास है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, और इसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2। कॉपर सल्फेट को जैसे ही आप हीट करेंगे, तो हीट करने से ये जो 10H2O है, ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, या ये जो फाइव एच टू ओ लगे हुए हैं, ये वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गए तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, और आपके सॉल्ट का कलर हो जाएगा वाइट,
क्यों? क्योंकि वहाँ से जैसे ही आपने क्रिस्टल को हीट किया, हीट करने से जो भी वाटर था वो वहाँ से रिमूव हो गया, और रिमूव होने की वजह से पूरा का पूरा सॉल्ट जो है वो वाइट कलर का हो गया। अब अगेन अगर आपने उसको मॉइस्चर कर दिया, यानी थोड़ा बहुत पानी उसके साथ में वहाँ पर डाल दिया, तो फिर से अपना जो ब्लू कलर था वो क्रिस्टल को वापस मिल जाएगा, कॉपर सल्फेट के केस में, क्योंकि कॉपर सल्फेट का ओरिजिनली कलर जो है वो ब्लू है। ठीक है, हर एक कंपाउंड के साथ में ये कलर चेंज होता रहेगा, ऑल्सो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो अटैच हैं वो भी चेंज होते रहेंगे। जैसे कॉपर सल्फेट की बात करें तो 5H2O है, वहीं वॉशिंग सोडा में देखो तो 10H2O है, एक होता है जिप्सम, उसमें देखो तो CaSO4.2H2O है। तो हर किसी के साथ ये क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है ये अलग अलग नंबर है, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं हर किसी के। ठीक है, अब हम बात करते हैं POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की। CaSO4, ये बहुत माइनर सा डिफरेंस है इसमें, CaSO4 विद हाफ H2O, अगर हाफ H2O है तो आप उसको बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, ये वही POP है जो हमारे घरों में यूज होती है। अगर हम जिप्सम को यानी CaSO4.2H2O इसको हीट कर देते हैं, इसको हीट करने से मिलेगा POP, CaSO4.2H2O, जब आप हीट करेंगे तो दैट शुड बी 373 केल्विन पे। ठीक है, इसकी रिएक्शन इधर गिवन है, ये CaSO4.2H2O POP, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल कितना है, आधा, और इसके अंदर अगर हम 1.5 H2O को ऐड कर देते हैं, तो जैसे ही उसमें ऐड करते हैं वो बहुत हार्ड मास हो जाता है, बहुत सॉलिड हो जाती है। वो सॉलिड किसकी वजह से हुई, क्योंकि वो जिप्सम में कन्वर्ट हो गई है। और अब इसके फिर अलग अलग यूजेस होते हैं, कि जैसे किसी के फ्रैक्चर हो गया, या घर पे डिज़ाइन बनाना है, कुछ क्रॉकरी सेट या टॉयज़ बनाने हैं, तो हम अलग अलग प्लेसेस पे, डेकोरेशन प्लेसेस पे इसको यूज़ करते हैं। ठीक है,